एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पहला यौगिक मीथेन गैस को लेकर आया हूँ। मीथेन गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इसे हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसके बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं, कैसे बनाते हैं, तो आइए एक नज़र उस पर डालिए। यहाँ पे मैंने एक संयंत्र स्थापित किया है जिसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये ज्वालक है, इसे हम स्प्रीट ज्वालक भी कह सकते हैं, है ना? इसे हम स्प्रीट ज्वालक भी कह सकते हैं। इसके साथ एक स्टैंड पर, ये स्टैंड है, स्टैंड पर एक कड़े कांच की परख नली को मैंने कस दिया है और कसने के बाद इसमें सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को डाला गया है और एक कांच के नली को लेकर के इसमें काग की सहायता से यहाँ पे कस करके इस तरह से एक नाद में जल भरा गया है। नाद में एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक गैस घट उल्टा रखा गया है जल भर करके, और ये नली जो है निकास नली कहलाती है। यहाँ से जब स्प्रीट ज्वालक को जलाया जाता है तो ये गर्म होता है और गर्म होने के उपरांत इस नली के माध्यम से इस नाद में भरे हुए पानी में यह मीथेन गैस आता है और आने के बाद गैस घट में ये जो बूंदे बूंदे के रूप में बनाया गया है आकृति, यही मीथेन गैस है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। यानी इसका सिद्धांत इस प्रकार होगा कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म किया जाता है, तत्पश्चात मीथेन गैस बनता है और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले आप एक रासायनिक रिएक्शन लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट का सूत्र है और प्लस इसमें हम NaOH यानी सोडा लाइम को मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब हम गर्म करते हैं, यानी सोडियम एसीटेट और NaOH आपस में गर्म होकर के मीथेन गैस बनाता है और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये सोडियम एसीटेट का सूत्र है। यह सोडियम एसीटेट और ये सोडा लाइम आपस में गर्म होकर के मीथेन और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाते हैं। यहाँ पे मीथेन गैस का एक संरचना है, मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4, यानी कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और इसमें जो रचना होती है वह रचना चतुष्फलकीय होती है। ये भी परीक्षा में पूछता है कि मीथेन गैस की संरचना क्या है, तो मीथेन गैस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चार इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हुए इसका संरचना चतुष्फलकीय बनाता है। इस प्रकार मीथेन गैस चतुष्फलकीय गैस है। तो यहाँ पे मैंने प्रयोगशाला में जो चीज वस्तु जुटाई जाती है उसको जुटा करके इस रूप में संयंत्र को सजा करके मीथेन गैस बनाया जाता है।
अब मैं आगे मीथेन गैस के भौतिक और रासायनिक गुणों को बतलाऊंगा, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, साथ ही साथ मीथेन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उस पे चर्चा करूंगा। तो आइए अब देखिए मीथेन के भौतिक गुण। अब मीथेन गैस के भौतिक गुण, तो आइए भौतिक गुण से पहले एक नज़र हम इसके प्रयोगशाला विधि पर पुनः डाल लें, क्योंकि इसके पहले मैं सिर्फ संयंत्र के माध्यम से बताया है, अब थोड़ा फिर विस्तृत उसके सिद्धांत के बारे में बतला देता हूँ कि प्रयोगशाला में मीथेन कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि सिद्धांत के साथ, प्रयोगशाला में मीथेन गैस सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करके तैयार किया जाता है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम की जो मात्रा है 1:4 के अनुपात में होनी चाहिए, 1 भाग सोडियम एसीटेट और 4 भाग सोडा लाइम। अब हम ये भी जान लें कि सोडा लाइम कैसे बनता है, तो सोडा लाइम बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें थोड़ा सा CaO यानी कि क्विक लाइम अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा थोड़ा सा मिला देते हैं नाम मात्र के लिए, ताकि वह सोडा लाइम बन जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है सोडियम एसीटेट का, ये सोडियम एसीटेट का सूत्र है और ये सोडा लाइम का सूत्र है, आपस में रिएक्ट होकर के गर्म होकर के ये CH4 मेथेन और सोडियम कार्बोनेट बना। ये जो नीचे जो फॉर्मूला दिया गया है या में दिया गया है ये अणु सूत्र के रूप में है और यह क्या है संरचना सूत्र के रूप में है। यह संरचना है सोडियम एसीटेट का, यहां से लेकर यहां तक सोडियम एसीटेट का संरचना है और ये NaOH है। अब ये सोडियम एसीटेट और NaOH आपस में अभिक्रिया करके C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O Na और प्लस NaO आपस में मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बनाता है और CH3 और H मिलकर के CH4 मीथेन बनाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने का सिद्धांत होगा। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम आपस में मिश्रित होकर के उसको यदि हम गर्म कर देते हैं तो मीथेन बन जाता है। अब आइए इसके भौतिक गुण पर एक नजर। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी यह गैस रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये गंधहीन है, कोई इसमें गंध स्मेल वगैरह नहीं होता है और स्वादहीन भी है, इसका कोई स्वाद भी नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है यह गैस हवा से हल्की होती है, हवा से क्या होती है तो हल्की होती है। और तीसरा गुण है कि यह जल में अविलेय होती है, यानी जल में हम मिलाते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में यह गैस विलेय होती है। तो इस प्रकार से यह भौतिक गुण रहा। अब भौतिक गुण के बाद मैं आप लोगों को रासायनिक गुण बताऊंगा, तो आइए देखिए रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। मीथेन का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, आइए देखिए रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पहले एक नंबर में दहन कंब्यूशन, दहन यानी कि जलन जलाना ज्वलनशीलता। तो मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है और इसे जलाने पर CO2 गैस और H2 जलवाष्प प्राप्त होता है, साथ ही साथ हीट ऊष्मा भी निकलती है। यह मीथेन गैस को हम वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 2H2O जलवाष्प और हीट प्राप्त होता है। यह पहला रासायनिक गुण हुआ। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुण मीथेन का नाइट्रोकरण यानी कि नाइट्रेशन ऑफ मीथेन, अर्थात मीथेन और नाइट्रिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके, यानी कि मीथेन और नाइट्रिक अम्ल के वाष्प के बीच यदि हम 475 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोमीथेन बनता है, इसी को नाइट्रोकरण भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि नाइट्रोकरण किसे कहते हैं, तो जब मीथेन और
नाइट्रिक अम्ल के वाष्प के बीच 475 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोमेथेन बनता है, इसी को नाइट्रोकरण भी कहा जाता है। तो आइए देखिए, मेथेन का सूत्र CH4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, ये 475 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर के ये नाइट्रोमेथेन और जलवाष्प बनाता है। ये अणु सूत्र के रूप में रिएक्शन है, इसके बदले या हम संरचना सूत्र में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहां पे संरचना सूत्र में मेथेन और नाइट्रिक अम्ल को लिया गया है, जिसमें मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रिक अम्ल के एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संपर्क स्थापित करके ये जलवाष्प बनाया और NO2 और CH3 मिल करके नाइट्रोमेथेन बनाया। ये नाइट्रो मेथेन का सूत्र है। ये क्या है? नाइट्रो मेथेन, ये नाइट्रो मेथेन का सूत्र है। और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं मेथेन गैस के रासायनिक गुण में, आप हाइड्रोजनीकरण भी ले सकते हैं, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। पहले के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अध्ययन में मैंने एल्केन के अध्ययन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बतलाया है। इसमें मेथेन और हैलोजन वर्ग के तत्व कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके जो प्राप्त होता है वह हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ चूंकि मैंने एक अलग रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोकरण के बारे में दिया है, अब मैं आगे इसके उपयोग के बारे में बता रहा हूँ। इसका आखिर यूज क्या है? इसका प्रमुख यूज है यानी उपयोग, रसोई घर में यह एक उत्तम ईंधन है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद और भी यौगिक बनाने में प्रयोगशाला में किया जाता है, जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन आदि गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज प्रयोगशाला में मेथेन गैस कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है बतलाया। अब मैं प्रत्येक दिन की भांति 5 प्रश्न आप लोगों को दूंगा, अब आप बताएं के अंतर्गत। तो आइए चलिए प्रश्न देखिए, अब आप बताएं के अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए मेथेन की आकृति कैसी होती है इसके बारे में लिखना है, दूसरा सोडा लाइम कैसे बनता है, और तीसरा मेथेन गैस बनाने में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम का अनुपात कितना रहता है बताएं, और चौथा है मेथेन का एक प्रमुख उपयोग बताएं, और पांचवा है नाइट्रोमेथेन का सूत्र लिखें। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न दिया, इन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग अवश्य देंगे और प्रत्येक दिन पढ़ें और उत्तर दें, मन क्रम वचन तन मन आदि से पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें। बस आज इतना ही, तो धन्यवाद।